الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الحق العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जिस कम वक्त में बहुत सारी चीजें समेटना, बहुत सारी चीजें समेटनी है, वो सारी चीजें तो समेटी नहीं जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खानकाह की जरूरत, सलासिल की जरूरत और उसकी अहमियत पर कुछ बात हो जाए और तमाम चीज़ों का मकसद अल्लाह की रजा है। आदमी के अंदर एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाए, अन्ता अब्दुल्लाह का अन्नक तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु, एक कैफियत कहाँ पैदा होगी? एक कैफियत अल्लाह वालों के खानकाहों में पैदा होगी। जब आदमी अपने जहन को, अपने दिमाग को खाली करके अपने शेख के साथ बैठकर मुराकबा करता है तो अल्लाह ताला इस तरह के हालात बनाते हैं और ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। खानकाहों में क्या होता है, जब तक कोई शख्स ये नहीं जानता है उसको खानकाह के बारे में बात करने का भी हक है। खानकाह की चंद झलकें मैं आप हजरात के सामने बताऊंगा, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हमें पहले खानकाह में वक्त लगाना चाहिए फिर इस मौजू पर बात करना चाहिए। ये तो ऐसा ही है कि इस शहर के बाहर एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो, उस ग्राउंड में झांक कर भी नहीं देखा क्या है और वहां के बारे में बातें करें कि वहां हरण भी रहती है, वहां शेर भी है, वहां चीता भी है, वहां सारे जंगली जानवर है। जब हमने देखा ही नहीं तो हमें उस पर बात करने का कोई जवाब ही नहीं। और आदमी सबसे पहले खानकाहों का मकसद ये है कि अल्लाह की रजा के लिए वहां सारे काम होते हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की रजा की तलाश और कल्ब की सफाई, ये सारी चीजें हैं। आदमी सोचता है कि खानकाह में सिर्फ कल्ब की सफाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है, और भी चीजों की सफाई हो। अल्लाह ताला ने इंसान के बदन में 6 लताइफ बनाए हैं, जिन लताइफ के पाक और साफ होने के बाद आदमी का दिल गुनाह की तरफ मायल नहीं होता है, उसका दिल गुनाह पर नहीं चलता है, दिल गुनाह के लिए नहीं आगे बढ़ता है बल्कि नेकियों की तरफ वो आगे बढ़ता है। लताइफ लतीफे से बना है, लतीफे के माने निहायत ही बारीक चीज, ऐसी चीज जो नजर ना आए। देखिए एक बात जहन में रखें आप लोग, दुनिया में जो चीजें नजर आती है ना, वो चीजें उतनी खतरनाक, उतनी ताकतवर नहीं है। उससे ज्यादा ताकतवर वो चीज है जो नजर नहीं आती। जो चीजें नजर नहीं आती है
उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। मैं आपको खाली इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी बात कह दूं कि जैसे कोई शख्स हो, वो किसी पूरी बस्ती से बहुत परेशान हो, वो बस्ती के लोग उस पर बहुत जुल्म सितम करते हो, और वो परेशान लोगों के पास उनसे लड़ने का कोई सहारा ना हो, उस बस्ती वालों से लड़ने के लिए उनके पास कोई ताकत ना हो, कोई सहारा ना हो, कोई जरिया ना हो, अब वो लोग बैठ जाएं, बस अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू करें और आयत करीमा का विर्द शुरू कर दें, अल्लाह से निस्बत जोड़ लें, देखें कैसी तबाही मस्ती है उस बस्ती में, उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये गैर मरई ताकत है, ना दिखने वाली ताकत है, एक दिखने वाले से ज्यादा खतरनाक। आप लोगों ने बाज बयानों में भी सुना होगा कि किसी एरिए की बात है कि मुसलमान किसी जगह पर बहुत खुशहाल थे, उनके इलाके में कुछ गरीब गैर मुस्लिम हजरात रहते थे, ये मुसलमान अपनी ताकत पर, अपने माल और दौलत पर घमंड करते हुए उन पर जुल्म करते थे, और जब वो गैर मुस्लिमीन ने सोचा कि हम इनसे कैसे बचें, तो लोगों ने कहा कि हम मुसलमानों के रब से जाकर शिकायत करेंगे। वो लोगों ने इरादा किया, वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन गैर मरी ताकत, वो ताकत जो नजर ना आने वाली, उसका उन्होंने सहारा लिया। वो पहाड़ों पर चले गए और वहां रो रोकर गिड़गिड़ाकर कहा, ए मुसलमानों के परवरदिगार, ये मुझ पर जो ये हम पर जुल्म करते हैं, हम इनसे बदला लेने के मुतहम्मिल नहीं है, आप इनसे बदला लें। फिर जो तबाही वो मुसलमानों पर आई ना जुल्म सितम की वजह से, वो दुनिया ने देखा। तो बेशुमार चीजें ऐसी है जो नजर नहीं आती, उसकी ताकत दिखने वाली चीजों से भी खतरनाक। तो मैं इंशाल्लाह लताइफ का जिक्र भी करता हूं, क्योंकि उसका ताल्लुक जिक्र से है, इसलिए उसके बारे में भी मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं मुसलमानों की जिंदगी को सुधारने के लिए चंद बातें बताता चलूं जो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई और बुजुर्गों, सबसे ज्यादा हमको इस्तिगफार की जरूरत है, सबसे ज्यादा हमें इस्तिगफार की जरूरत है, कसरत इस्तिगफार। और जो काम दुनिया में पूरी ताकत लगा देने के बाद भी न बने, वो इस्तिगफार की ताकत से बन जाते हैं। अगर बारिश ना हो रही हो, इस्तिगफार की कसरत करें, बारिश होने लगेगी। किसी को औलाद ना हो रही हो, इस्तिगफार की कसरत करें, अल्लाह ताला औलाद भी अता फरमाएंगे। माल और दौलत में कमी, इस्तिगफार की कसरत करें, अल्लाह ताला माल और दौलत भी देंगे। अल्लाह ने इसका जिक्र सूरह नूह में भी फरमाया, क्योंकि सारे उलमा हैं, इसलिए बस इशारा ही करते चले तो काम हो जाएगा। देखिए, एक वाक्या मैं बहुत अपने बयान में बताता हूँ, वो वाक्या यहाँ भी बताता चलूँ। वो वाक्या चूंकि बहुत अहम है, इसलिए उसको मैं हर जगह बताता हूँ और बताने की जरूरत भी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वो एक मरतबा सफर में थे, पहले जमाने में जो मुसाफिर होते थे, कोई सराय रहती थी वहां कयाम करते थे, किसी मस्जिद में कयाम करते थे। इमाम साहब दौरान सफर एक ऐसी जगह पर पहुंचे, मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मौज़िन से कहा कि भाई हमें यहाँ ठहरने की इजाजत है। मौज़िन साहब ने कहा यहाँ किसी को ठहरने की इजाजत नहीं, हो सकता है उनकी मस्जिद में कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। इमाम अहमद इब्न हम्बल मस्जिद के सहन में वहीं आराम फरमा हो जाते, और बेचारे उस मौज़िन को भी नहीं मालूम कि ये वक्त के इमाम इमाम अहमद इब्न हम्बल है। और मौज़िन साहब बेचारे उनकी टांग फिर पकड़ के खींच के मस्जिद के बाहर ले जाके लिटा दे। ये सूरत हाल देखकर वहां उनके इलाके में, उस इलाके में एक नानबाई रहता था, उस नानबाई ने ये हजरत की
सूरत हाल देखी, वो भी हजरत को जानता नहीं था। हजरत को कहा कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मैं नानबाई हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, बेचता हूँ, वही मेरा रोजगार है, उसमें थोड़ी सी जगह है, आप चाहें तो वहां चल के आराम कर लें। हजरत को उस वक्त जगह की जरूरत थी, हजरत वहां जाकर आराम कर लें। हजरत ने वहां देखा कि रोटी बनाने वाला हर हर लम्हे अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हर काम के वक्त हर लम्हे में इस्तग़फार करता, इस कदर इस्तग़फार। हजरत से रहा नहीं गया, कुछ देर में उठ के बैठ गए। हजरत ने उससे पूछा कि भाई तुम इतना इस्तग़फार करते हो, इससे तुम्हें कुछ हासिल भी हुआ है कि सिर्फ इस्तग़फार करते हो? उसने कहा बाबा जी मैंने जिंदगी में जितनी दुआएं मांगी हैं अल्लाह ने इस इस्तग़फार की बरकत से सब कबूल कर लिए, कुछ नहीं बचा, बस एक दुआ मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, चंद रोटियां बनाता हूँ और अपने इलाके में बेचता हूँ, और उसकी वजह से मेरे पास हज के लिए पैसा नहीं है कि मैं हज करने जाऊं, इमाम अहमद इब्न हंबल से मुलाकात करूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इस इस्तग़फार की बरकत से मेरी इमाम अहमद इब्न हंबल से मुलाकात करा दी। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा तेरे इस्तग़फार की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहां पहुंचाया। जो मौसम इस किसी के दिल में अगर सवाल पैदा होता है कि मैं तो गुनाह नहीं करता हूं, मुझे इस्तग़फार की क्या जरूरत है? इस्तग़फार मुस्तकिल एक इबादत है, अल्लाह को राजी करने का बहुत बड़ा जरिया। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जब आप किसी बड़े आदमी के पास, आदमी कोई चले जाए, कोई अपनी बात रखे, अपनी जरूरत रखे, उसके बाद उसका पैर पकड़ कर बैठ जाए कि भाई मेरा काम जब तक नहीं होगा मैं तुम्हारे दर से नहीं उठूंगा, मैं तुम्हारे पैर को भी नहीं छोड़ूंगा, वो इंसान जिसके अंदर मोहब्बत का तो कोई दर्जा ही नहीं अल्लाह के दर्जे के सामने, वो भी रहम खा जाता है। लेकिन वो रब, वो परवरदिगार जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जब उसके सामने कोई बंदा मुस्तकिल इस्तग़फार करेगा, बार बार अपने गुनाहों का माफी मांगेगा, क्या वो परवरदिगार आलम हालात नहीं बनाएगा उसके लिए? अल्लाह हालात बनाएगा, और ऐसे हालात बनाएगा कि सारी दुनिया को समेट कर पहले असबाब पैदा करेगा, फिर जिस चीज की ख्वाहिश है अल्लाह ताला सब देख। ये चीजें कहां सिखाई जाती हैं? ये चीजें खानकाह में सिखाई जाती है। एक मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स का, कोई शख्स अगर सफर पर निकला हो और उसका घोड़ा खो जाए, उसका खाने का सामान, पानी पीने का सामान, तमाम लवाजिमात उस घोड़े पर हो, और वो खूब ढूंढ भी लिया हो, उसको ना मिला हो, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हो, फिर वो मायूसी के आलम में आकर किसी दरख्त के नीचे लेट जाए, और लेट जाने के बाद उसकी आंख खुले तो उसके सामने वो घोड़ा मौजूद हो और उस घोड़े की लगाम भी पकड़ ले, उसको कितना खुशी होगी। वो खुशी में ये भी कह दे कि परवरदिगार तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, खुशी के जज्बात में ये उल्टा कह दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इससे ज्यादा खुश होते हैं, वो बंदा, उस बंदे को इतना खुशी मिली है किसी के इस्तग़फार करने पर, अल्लाह ताला उससे ज्यादा खुश। इस्तग़फार और आदो बजाई दुआएं जो अल्लाह की राज, अल्लाह को राजी करने की चीजें, इसमें बड़ी तासीर है, और ऐसी तासीर है। हमने देखा जब हम बचपन में पढ़ा करते थे मदरसा मुस्ताउलो हिंदुस्तानी मस्जिद भिवंडी में, वहां जो उस वक्त के हमारे मोहतमिम साहब थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, हम तो इसी से समझ रहे थे कि वो बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, क्योंकि अल्लाह ताला उनको हर साल अपने यहां बुलाया करता था हज करने के लिए।
हर साल बुलाया करता था, और जब उनका इंतकाल हुआ तो हज से लौट रहे थे और मुंबई एयरपोर्ट पर उनका इंतकाल हुआ कि तुमको घर नहीं जाना है, तुम्हारे आए थे ना, बस हमारे यहाँ आ जाओ। उनके यहाँ हजरत जब तक मुहतमिम थे, उसके जुमेरात के दिन तलबा को बैठा कर 1.25 लाख बार आयत करीमा पढ़वाया करते। उस आयत करीमा की बरकत क्या होती थी मालूम? बेशुमार मदारिस हैं, सबका अपना अपना निजाम है। हर मदरसे के लोग घूम घूम कर शहरों में चंदा करते थे, लेकिन वहां लोग पहुंचा कर देते थे। भेड़ बकरियां बकरे खाने की ऐसी फरावानी कि तलबा कहते थे लड़ नस्वी राजा ताबिर वाही कि गोश्त से हम लोग आज ही आ चुके हैं, हमें दाल भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हालात थे वहां के, और उस जमाने में मौलाना साहब को चंदा करने के लिए कहीं निकलना नहीं पड़ता। ये अल्लाह ताला आयत करीमा की बरकत से अता फरमाते थे। जो भी जो एक इस्तगफार है, आयत करीमा भी बहुत बड़ा इस्तगफार है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से अता फरमाते। तो सबसे बड़ी चीज अल्लाह ताला की रजा के लिए हर वो आमाल करना जिससे अल्लाह राजी हो, इससे हमारे कुलूब साफ होते हैं। चाहे माँ बाप की इताअत हो, दूसरों के हुकूक की अदायगी हो, नमाज की अदायगी हो, औराद वज़ाइफ की कसरत हो, तमाम आमाल सालिहा हमारे लताई से सिक्का की सफाई करते हैं। कोई ये ना सोच ले कि मैं सिर्फ खानकाहों में जाऊं, वहां अल्लाह अल्लाह करूं और मैं माँ बाप की नाफरमानी भी करता रहूं, दूसरे का हक भी मारता रहूं, दूसरे को सताता भी रहूं तो सब चलेगा। ऐसा नहीं चलने वाला, बल्कि अल्लाह ताला खानकाहों में आने के बाद एक निजाम बना देते हैं, वो बंदे के अंदर ऐसे हालात बनते हैं, वो दूसरों के हुकूक भी अदा करने लगता है, माँ बाप की खिदमत भी बढ़ाकर करने लगता है, अगर उसने कभी बहन का हक मारा है तो बहन का हक भी देने लगता है। ये सब हालात धीरे धीरे बनते हैं, फिर अल्लाह का करीब होता चला जाता है। उसके पीछे वजह क्या है खानकाहों में जाने के बाद? मैंने बताया ना लताई का सिक्का। बहुत सारे उलमाए किराम जो खानकाहों में नहीं जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं सिर्फ जाके बरकत के लिए बैत के कलेमात पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं, ना हजरत से कोई वज़ाइफ लेते हैं, ना कुछ औराद लेते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं, ना मुराक़बा करते हैं, या उनको कोई सबक ही नहीं मिलता, बस जा रहे हैं बैत के कलेमात कह के आ जा रहे हैं। तो इससे बस थोड़ी देर की बरकत तो मिल सकती है, मुस्तकिल बरकत नहीं मिलने वाली। मुस्तकिल बरकत के लिए लगना पड़ेगा, घिसाई करना पड़ेगा। अगर घिसाई नहीं होगी ना तो चमक भी नहीं आने वाली। चमक आने के लिए पहले घिसाई करनी पड़ेगी। एक साहब हमारे पास आए मुंबई से, कहने लगे कि मैं फला साहब से बैत हूँ, तो मैं तो बैत हूँ ही। मैंने कोई बात नहीं, आप बैत ना हो जाए, मैं आपको बैत नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या बधाई दिया पढ़ने के लिए? बोला नहीं कुछ नहीं दिया पढ़ने के लिए। मैंने कहा भाई उन्होंने जो आपको बैत कराया है ना सिर्फ बरकत के लिए, आपने उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत कर लिया है, एक बरकत हासिल हो गई है सिलसिले की आपको। अगर आप उनसे बैत थे तो आप उनसे पूछते हजरत मैं क्या पढ़ूँ, तो आपको पढ़ने के लिए भी देते। बेशुमार लोग बड़ी बड़ी मजलिसों में जाते हैं बरकत के लिए, बैत होते रहते हैं, फिर उसके बाद आगे अपना वही काम शुरू रहता है जो पहले का है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ तब्दीली आती है। तो जो लोग खानकाहों में जाते हैं सबसे पहले उनको सबक दिया जाता है, सबक बताया जाता है कि इंसान के जिस्म में 6 लताइफ होते हैं। एक लतीफ़ा नफ्स होता है, ये नाफ है ना, नाफ के 4 अंगुल नीचे लतीफ़ा नफ्स होता है। नफ्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो गुनाहों की तरफ बहुत रागिब करता है, जो गुनाहों की तरफ नफ्स अम्मारा का खास तौर पर जिक्र सुना होगा आप लोगों, नफ्स अम्मारा नफ्स लुगामा, ज्यादातर बुराइयां पैदा करने वाली यही दो नफ्स। तो ये जो लतीफ़ा नफ्स है ना, ये गुनाहों की तरफ उभार,
इसकी सफाई कानकाओं में होगी। फिर उसके बाद एक लतीफा सिर है, यहां पर देखें, यहां दोनों सीनों के बीच में नीचे लतीफा सिर, फिर यहां पर दाएं तरफ सीने के नीचे थोड़ा सी लतीफा कल्ब है, फिर इधर दाएं तरफ सीने के थोड़ा नीचे लतीफा रूह है, फिर ये पेशानी में देखें यहां लतीफा खफी है, और ये सर के ऊपर यहां पर इस मकाम पर लतीफा अख्फा है। खानकाहों में ये छह लताइफ पर मेहनत कराए, ये छह लताइफ पर अगर मेहनत करा दिया जाए, अज़कार करा दिया जाए, तो इसके अंदर से गंदगियां साफ हो जाती है। जब गंदगी साफ हो जाएगी तो आदमी गंदी चीजों की तरफ माइल भी नहीं होगा, गुनाहों की तरफ माइल नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल है, उसका मैं जवाब भी देता चलूं। जैसे हदीस शरीफ में ना कि आदमी जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, इसी तरह जब वो गुनाह करते जाता है तो नुक्ता बढ़ते जाता है, यहां तक कि उसका पूरा सियाह, पूरा कल्ब उसका सियाह हो जाता है। यदि सुनी होगी ना आपने, यकीनन सुनी होगी, तो इससे मुराद ये दिल नहीं है, इससे मुराद ये दिल नहीं है, बल्कि लतीफा कल्ब है। इससे मुराद क्या है? लतीफा, लतीफा दिल, जिसकी सफाई के लिए जिक्र कराया जाता है खानकाओं। अगर इस बात को समझना है तो आप जो लोग, जो डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करते हैं वो लोग बताएंगे, अगर आप उनके सामने हदीस बता दें तो लोग बोलेंगे हमने तो सबका वैसे देखा है, कल एक गुनहगार का भी दिल देखा वैसे ही है, एक गुनाह का भी देखा वैसे ही है। सवाल पैदा होता है ना, तो ये चीज कहां समझ में आएगी? ये खानकाओं में समझ में आएगी। लतीफा कल पर नुकते पड़ते हैं, उसकी सफाई भी की जाती है। इस हार्ट की सफाई नहीं की जाती, बल्कि लतीफा कल्ब की सफाई की जाती है, लतीफा रूह की सफाई की जाती है, लतीफा सिर की सफाई की जाती है, और लतीफा नफ्स की सफाई की जाती है, लतीफा खफी की, लतीफा अख्फा की सफाई की जाती है। ये सारे लतीफे जब सफाई होती है खानकाहों में, तब आदमी का दिल इबादत की तरफ बहुत मायल होता है। वो जितना भी जिक्र करता है उसके बाद उसका इरादा होता है कि कल मैं इससे ज्यादा जिक्र करूंगा, इससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा। अल्लाह हालात बनाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं तजर्बे के साथ कह रहा हूं कि अगर किसी 10 बंदे को खानकाह में बैठा दिया जाए और 10 बंदे को वो अपनी मर्जी से चले, तो 10 बंदे के जिंदगी में 4-6 महीने में जो तब्दीली आ जाएगी ना खानकाह में बैठने वालों, और जो दूसरे 10 बंदे हैं वो चाहे इतने जतन कर ले, चाहे इतनी कोशिश कर ले, उनके अंदर तब्दीली नहीं आने वाली है। ये कुछ तजर्बात हैं जो औलिया अल्लाह ने, अल्लाह के नेक बंदों ने बताया। हमने बेशुमार लोगों को देखा है, बेशुमार ऐसे लोग थे जो खानकाह में आने से पहले दाढ़ी बिल्कुल नहीं रखते थे, और जो बिल्कुल अल्लाह का जिक्र नहीं करते थे, ना कोई दुआ पढ़ते थे, ना कुछ नमाज तक नहीं पढ़ते थे, और वो खानकाहों में आने लगे, मुस्तकिल नेकियों की तरफ उनका रुझान हो गया, मुस्तकिल वो इबादत में मशगूल रहने लगे। अब वो नमाज छूटती है तो दिल ऐसा, उनके दिल में ऐसा रहता है, क्या छूट गया है, बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें, इसकी बेशुमार फायदे मिले। और इससे पहले मौलाना अमजद साहब ने जो हमारे सिलसिले का तारुफ कराया, माशाल्लाह हजरत ने वक्त का बड़ा लिहाज रखा, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो मैं सोचता हूँ कि जो बहुत अहम है उसको मैं बता दूँ। मौलाना साहब सोच रहे थे कि मुझे ज़्यादा बोलने का टाइम दे, हालांकि दोनों को मुख्तसर मुख्तसर ही बात करी, ज़्यादा नहीं। हमारे इस मुल्क में, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये तसव्वुफ के सरखेल, हमारे अकाबिर की सनद ज़्यादातर उन्हीं तक जाकर मिलती है। फिर उसके ऊपर अगर किसी ने अपनी सनद को हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की तक मिला दिया तो भरोसेमंद हो गया, मतलब ठीक ठाक है। अगर इसके अलावा अगर नहीं मिला सका तो भाई फिर वो उलमाए देवबंद के शुयूख में से नहीं हो सकता, उलमाए या कोई बहुत कोई ऐसा सिलसिला जो बाहर मुल्कों में हो और वो भी बहुत भरोसे का हो,
हमारे इंडिया में तो यही सिलसिला है, बाहर मुल्कों में सिलसिला है। जैसे हजरत ने बताया मौलाना अमजद साहब ने कि अफ्रीका वगैरह में, यमन में, मिस्र में, सऊदी अरब में, जिन इलाके में सलासिल से लोग नस्बत रखते हैं वहाँ सिलसिले शाज़लिया बहुत मकबूल है। लेकिन हमारे पास जो सिलसिला आया है सिलसिला शाज़लिया नहीं है, सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया। हमारे पास जो सिलसिला है वो क्या है? सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया। हमारे शेख मुर्शिद के जो शेख हैं, शेख अहमद अली साहब, उनके बेशुमार लोगों से हजरत को खिलाफत मिली है, मुफ्ती यूसुफ बिन नौरी साहब से खिलाफत मिली है और कई लोगों से, लेकिन हम चूंकि वही सिलसिला बताते हैं जो हमारे यहाँ मुतारफ, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। आप लोगों ने हजरत मौलाना इकबाल अहमद महाजिद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम सुना होगा, जो हजरत जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की खलीफा थे। तो हमारे शेख मुर्शिद के शेख थे शेख अहमद अली साहब, उनके शेख थे इकबाल अहमद महाजिद मदनी साहब, उनके शेख थे शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। इनको पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता? जिस आदमी ने जिंदगी में एक बार भी फजाइल अमाल उठाया है वो हजरत का नाम जरूर जानेगा। फिर हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख शेख खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के शेख मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही के शेख हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहे। तो यहां से हमको नक्शबंदी की सनद मिलती हमारे इस सिलसिले में। हमारे सिलसिले के पास सिलसिले नक्शबंदिया भी है, सिलसिले सोहरवर्दिया भी है, सिलसिले सिलसिले चिश्तिया भी है, और सिलसिले कादरिया भी है, सिलसिले शत्तारिया भी है। हजरत ने सारे सलासिल को जोड़कर सिलसिले नक्शबंदिया शादलिया बना दिया। और हमारे हजरत को मराकश के एक शेख से मकाम इब्राहिम पर सिलसिले शादलिया की बदनी सनद भी मिली है। जो लोग बदनी सनद और ऐसी सनद जानते हैं उनके लिए लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं बदनी सनद क्या होती है और वैसी सनद क्या होती है, इंशाल्लाह जब वो किसी सिलसिले से जुड़ेंगे इंशाल्लाह उनको मालूम पड़ जाएंगे। तो पहली बात तो अभी जिक्र भी होना है, उसमें भी आधा पौना घंटा लगेगा। ये सिलसिला बताना भी जरूरी था हमारा सिलसिला कहाँ से हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तक पहुंचता है। और एक चीज है जो सालिकीन के लिए, सालिकीन ये बात समझ लें कि जिसके पास बदनी सनद होती है उसकी वो ऐसी सनद भी मानी जाती है, और जिसके पास बदनी सनद ना हो, कोई डायरेक्ट इस बात का मुतालबा करे कि मुझे ख्वाब में आकर शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत दी है, अगर उसके पास बदनी सनद नहीं है तो उसकी खिलाफत भी नहीं मानी। अगर उसके पास बदनी सनद है, जैसे हमारे शेख मुर्शिद के पास बदनी सनद चूंकि कई एक है, तो हमारे शेख मुर्शिद से हिजबुल बर अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से मिली। और हिजबुल बर की फजीलत, उसकी ताकत, तो जिन लोगों को मालूम है वो लोग बड़ी कदर करते हैं। और खानकाहों में काम आम तौर पर, अच्छा एक बात और बता दूं, दीगर खानकाहों, बहुत सारी खानकाहों में हिजबुल बहर की इजाजत सालिकीन को एकदम आखिरी दर्जे पर पहुंचने पर देते हैं। वैसे नहीं दे देते, क्यों नहीं देते? हिजबुल बहर से शैतानों को जलाना, जिन्नात और शयातीन का जलाना और जादू का इलाज करना छुट्टियों का खेल एकदम। लेकिन हमारे इस सिलसिले में हजरत ने हिजबुल बहर के इतने चिल्ले कराए, मैं उसकी कैफियत ही बता देता हूँ कौन कौन से चिल्ले हजरत कराते हैं। बारह बारह बार पढ़ने के लिए हजरत देते हैं, सात दिन में बारह बार बार पढ़ो, फिर सत्ताईस दिन का एक चिल्ला कराते हैं हिजबुल बहर का। फिर उसके बाद हिजबुल बहर काफी मोटी किताब है, ऐसा नहीं है कि चंद दुआएं हैं बस हो गया, ऐसा नहीं। 360 बार माह जनवरी में कराया जाता है, 360 बार माह रमजान में कराया जाता है एक बार, और 120 बार माह रमजान के आखिर किसी अशरे की ताक रात में कराया जाता है, और फिर माह जनवरी में कराया जाता है, माह मुहर्रम में कराया जाता है,
और फिर माह सफर में कराया जाता है। यही वजह है कि सिलसिले नक्शबंदिया शाजरिया के सालिकीन से और हजरत के खुलफा से शयातीन और जादूगर बहुत डरते हैं। आपको एक छोटा सा वाकया बता देता हूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। हमारे यहाँ भिवंडी में एक गुजराती कारोबारी था, उससे हम किसी जमाने में पहले कारोबार करते थे। एक दिन का वाकया हुआ, उसके मोहल्ले में किसी एक लड़की के ऊपर कोई जिन्नात आ गया। अब जिन्नात आने के बाद एक जादूगर छुड़ाने के लिए गया। अब वो जादूगर जब छुड़ाने के लिए गया, जिस इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ ज़्यादातर वो पूरा इलाका गैर मुस्लिमों का है। अब छुड़ाने के लिए गया, वो जिन्नात था उसके और सख्त, वो तो सामने जो चीज आई उठाए तो उसको दौड़ा मारने के लिए जादूगर उसकी हालत खराब हो गई। वो जादूगर जान बचा के भागा, बोला यार मैं जा रहा हूँ, मेरे बस का नहीं। ये कह के वो निकल ली। फिर उसने मेरे पास फोन किया, बोला मौलाना साहब ऐसा ऐसा वाकया पेश आ गया है, थोड़ा सी आप कुछ करें ना, बहुत तकलीफ में है, घर वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सिलसिले नक्शबंदिया शादिया के लोग ना माशाल्लाह दूर से ही इलाज कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पूरा इलाज तो इसका करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आता है ना, चाहे मुसलमान आए या गैर मुस्लिम आए, हम सबको दुआएं पढ़ने के लिए देते हैं। कोई गैर मुस्लिम आया, उसको या सलामो पढ़ने के लिए दे दिया। अब कुछ दिनों तक या सलामो पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद उसको कलिमा तैयबा भी पढ़ने के लिए दे देते, 100 बार तुम कलिमा तैयबा पढ़ो। ये गैर मुस्लिम को ये तुम्हारा इलाज है, हो सकता है इसका रूहानी इलाज भी हो, अल्लाह ताला उसको ईमान की तौफीक दे दे उसके पढ़ने से, उसकी शयातीन का हल तो ही। तो मैंने उस जिन्नात से कहा कि भाई देखो ऐसा है ना, ये लोगों ने मेरे पास फोन किया है, आप लोग एक काम करें, आप हट जाएं और फिर मैं तुमको मुकम्मल नहीं हटा रहा हूं, बाद में आ जाना चलेगा। वो जिन्नात हट गया। शाम में फिर हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद फिर उसको बुलाए, जैसे जादू कर गया फिर उसने सामान उठाया मारने के लिए, तू फिर आ गया। फिर वो भागा, उसने कहा तुम लोगों ने सुबह जिस मुसलमान से बात की थी ना, उससे मैं मिलूंगा, बहुत अच्छा आदमी। जिन्नात ने कहा मैं उससे मिलूंगा। एक वाकया हो गया अलग। फिर उस जादूगर के दिल में बात पैदा हुई यार, इस जिन्नात ने जो मुसलमान का नाम लिया उससे चल के मुलाकात करें कौन। ये जिस दिन का वाकया, उस दिन हिजबुल बर की पढ़ाई चल रही थी हमारी, 3 दिन बाद 360 बार 3 दिन में हिजबुल बर। मैं हिजबुल बर पढ़ रहा हूं, वो जादूगर अपने साथी के साथ आया मुझसे मिलने के लिए, उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे, उसको ऐसा लग रहा है कि हिजबुल बर की ताकत से वो सल्ब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके पास कोई ताकत नहीं बचेगी। ये हिजबुल बर की ताकत है, जो जादूगरों को ही पता है कि हम करीब हुए तो सल्ब हो जाएंगे, हमारे पास इलाज की कोई ताकत नहीं। फिर मैंने अपनी हिजबुल बर मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद मैंने हिजबुल बर के अमले से कहा, आप लोग कुछ ना करें, वो मिलने आया है, उसको बात करने दें, हमें उसे सल्ब नहीं करना है। उसने वो आके एकदम कदमों में गिर गया, अपनी बहुत सारी तकलीफ बताने लगा। तो भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने पुरानी दुआओं में खास तौर पे बहुत ताकत रखी है, बहुत तासीर रखी है। उसके बाद वो औरादो वज़ाइफ जो अल्लाह वालों पर अल्लाह ताला ने खोले, अल्लाह की तरफ से चीजें जो अता हुई है अल्लाह के नेक बंदों पर, वो सारी चीजें बड़ी तासीर रखते थे, रूहानियत में इजाफा करते हैं और शयातीन के लिए कातिल। तो इस सिलसिले में इसके जरिए भी जिन्नात और शयातीन का इलाज भी होता है। सिलसिले नक्शबंदिया शाज़लिया की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब उलमा इसमें दाखिल होते हैं, उलमा दाखिल होते हैं तो उनकी खानकाहें भी आबाद होती है और इंसानियत की खिदमत भी करते हैं। जादू जिन्नात का इलाज ऐसा ऐसा करने का आदमी सोच नहीं सकता।
हमारे इलाके में मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब ने एक मरतबा एक मरीजा को भेजा, वो किसी ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही थी, सीए की तैयारी। उसके ऊपर कंपटीटर लोगों ने, कंपटीशन करने वालों ने ऐसा जादू कर दिया था कि उसको कुरान के हुरूफ नज़र नहीं आते थे, उसको कुरान के हुरूफ नज़र नहीं आते थे, और उसके मुंह से मुसलसल राल टपकने लगी थी और उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई। मुफ्ती साहब ने मेरे पास भेजा तो लोगों को मैंने तसल्ली से कहा कि आप 3-4 महीने तक इलाज करें, इंशाल्लाह ये बच्ची वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हुई। और वो जब हमारे खानकाह भी पहले ही दिन आई, पहले ही दिन आने पर उसको कुरान के हुरूफ नजर आने लगे। जब कुरान के हुरूफ नजर आएंगे तो मर्ज का इलाज भी आसान हो जाएगा, अगर कुरान के हुरूफ नजर नहीं आएंगे तो मर्ज का इलाज भी आसान है। तो उलमा के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम तो तमाम उलमा को कहते हैं कि भाई आप लोग अपने इलाके के मोतमद शुयूख जो अल्लाह वाले हैं, जिनकी खानकाहें हैं, या जिन जिन अल्लाह वालों को आप जानते हैं, उनसे आप बैत करें, उनकी खानकाहों में जाएं, उनसे राब्ता रखें और उनसे ताल्लुकात रखें और पूरी मजबूती के साथ रखें, और मौका मिले तो कम से कम 40 दिन खानकाहों में लगाएं। अगर 40 दिन है तो कम से कम 3 दिन तो लगाएं जरूर खानकाहों में, फिर देखिए जिंदगी कैसे बदल गई, हालात कैसे बदल गए। और सिर्फ बरकत के लिए बैत करना, इसके लिए आदमी बार बार करता रहेगा और कोई फायदा नहीं। अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दें, और जब बैत करें तो पूरी ताकत से वज़ाइफ़ पढ़ें। अगर पढ़ने में कोई रुकावट आ रही, कोई शैतानी चीज़ें, तो अपने शुयूख को बताएं, इंशाल्लाह वो रुकावट भी दूर हो जाएगी, वो सारी बंदिशें भी कट जाएगी, आप दुआएं भी एकदम आसानी से पढ़ लें। और सिलसिले नक्शबंदिया शाज़िलिया के तआरुफ के बाद एक चीज़ जो उलमा के लिए बहुत बड़ी है वो ये है कि किसी को कुछ होता है तो लोग उलमा के पास बात करी दुआ करवाने आते हैं। पानी आपको दम करके देना है, शैतान आए तो मुख्तलिफ चीज़ों पर आप ही को दम करके देना है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से, आप लोगों को अगर करना है तो सीख कर करें जो हमारे सिलसिले में सिखाया जाता है, अगर करना है तो सीख कर करें। और उलमाए देवबंद और अकाबिर, जो अपने हमारे अकाबिर उलमा, उनके मुजर्रब अमलियात से इलाज करें, हर कसो नाकस कोई भी किताब पा जाए तो ना करें, और बगैर इजाजत के ना करें इलाज मुआलजा, और बगैर हिसार के ना करें। अगर आपके दिल में तलब है कि मुझे सीखना है तो इंशाल्लाह यहाँ के जिम्मेदार हमारे हजरत के खलीफा मौलाना अब्दुल कबीर साहब, वो आप लोगों को अल्लाह ने चाहा तो वो सिखाएंगे भी, सिलसिले से जोड़ेंगे भी, आपको वज़ाइफ भी देंगे। देखिए फिजुनूर भी लेकर आए हैं, जिन लोगों को देखना है सरसरी तौर पर देख लें, किताब कितनी होगी, कम है ना, 10-12 है ना, 20 किताबें। जिन साथियों को दिलचस्पी पैदा होती है, खास तौर पे उलमा और मुफ्तियाने किराम और उफाद और कुर्रा के लिए एक कोर्स, ये निसाब दूसरे लोगों के लिए तो है ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा भारी होता है, वो पहले आना जाना रखे मौलाना के पास, या अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मसला है वो भी मौलाना के सामने रुजू हो, मौलाना से मुलाकात करें, उनके सामने अपनी मुश्किलात रखें। और एक चीज़ मैं आप हजरात के सामने कहने आया हूँ, आप घर जा रहे हैं ना तो इस मजलिस से लौट के जाने के बाद आप 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के मामूल में रखें, 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के मामूल में रखें। मंजिल सुबह शाम पढ़ें यहाँ की इजाज़त से, मैं इजाज़त के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, मंजिल सुबह शाम एक बार पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 बार पढ़ें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ सबसे छोटा दरूद, सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम 1000 बार पढ़ें। अगर हो सके तो इसमें इस्तिग़फ़ार भी बढ़ा ले 1000 बार, इसको अपनी ज़िंदगी के मामूल में ला ले, इंशाअल्लाह चंद महीनों में ऐसी तब्दीलियां देखेंगे
ऐसे हालात बनते देखेंगे कि आप हैरान हो। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ इजाजत के साथ कह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ आए हुए मजमे में सबको इजाजत है, और बाहर का कोई आदमी रहेगा उसको इजाजत लेके पढ़ना, और जो बगैर इजाजत के पढ़ेगा उसका जवाबदार होगा, उसका जवाबदार वो है, उसके जवाबदार हम नहीं। मौलाना साहब और कोई बात बाकी रह गई? बातें मुकम्मल हो गई है ना, अब इंशाल्लाह जिक्र कराते हैं। जिक्र कराने के बाद हजरत सदर मुहतरम की दुआओं से मजलिस का इख्तिताम होगा इंशाल्लाह। कपिल सिलसिला नक्शबंदिया शादरिया नागपुर में हर जुमेरात को किया जाएगा मौलाना अब्दुल कबीर साहब की खानकाह में। आप लोग मौलाना साहब से रब्ता रखें और जुमेरात को वहाँ जिक्र के लिए पहुँचा करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखिए पहले जिक्र का तरीका सिखा देता हूँ ताकि तमाम साथियों को जिक्र करने में सहूलत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मौलाना अब्दुल कबीर साहब जो आपके शहर के लिए बहुत कीमती शख्स हैं, चूंकि बड़े हजरत की तरफ से हजरत मुफ्ती नूर जमान साहब नक्शबंदी शाज़ली साहब की तरफ से जब ये हजरत उमरा करने गए थे तो हजरत ने उन्हें खिलाफत दी है, इसलिए आपके शहर के लिए तो बहुत सआदत की बात है इंशाल्लाह। इसलिए वो जिक्र भी ये कराते रहेंगे, आप लोग उनसे रबते में रहें। और जिक्र करने का तरीका ये है ना, क्योंकि मैंने बताया कि लताइफ को शफाफ करने के लिए ज़र्बे लगाई जाती है, तो जब जिक्र शुरू होगा तो पहले ये लतीफ़ा नफ्स है ना, यहाँ से ला खींचा जाएगा यहाँ तक मकाम अफ्फा तक, ला ऐसे खींचना है, ला को नीचे से लेके मकाम अफ्फा तक खींचना है नफ्स से लेकर, ला फिर इलाह लतीफ़ रूह तक, ला इलाह फिर इल्ला की ज़र्ब लगेगी, इल्लल्लाह कल पर लतीफ़ सिर से होते हुए, इस तरतीब से जिक्र करना है ना, समझ में आ गया? हाँ, जिस तरतीब से जिक्र कराया जा रहा है उसी तरतीब पर करें, और कोई आगे पीछे जिक्र नहीं करेगा, सब साथ में जिक्र करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब अपना अलग अलग पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स इसी तरीके पे छूट गया है तो वो साथ में जुड़ कर करने की कोशिश करें ना। तो सबसे पहले बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर उसके बाद जिक्र शुरू करते हैं। اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على अच्छा एक चीज और है कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां अनवारात भी अल्लाह की तरफ से नाजिल होते हैं, तो उस अनवारात से भी तसव्वुर करें कि हमारे कल्ब की हमारे पूरे जिस्म की सफाई हो रही, सारे लताइफ की सफाई हो रही, और बकिया इसकी ज़र्ब से भी सब साफ हो रहा है। सारा जहन इस तरफ रखें, जब जिक्र करें तो जहन इधर से हटे ना, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा। अगर जहन कहीं और है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए बेहतर है कि जहन को यहाँ पूरे तौर पर कर लें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة مقبولة تودي إلى النعيم العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 La ilaha illallah, 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 la لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بأن حقه لزيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم إلا الله
अब दुनिया में सबसे ताकतवर लफ्ज इसमें ज़ात अल्लाह, इसका जिक्र लतीफ़ नफ्स पे करना है, नाप के चार अंगुल नीचे। अल्लाह का जिक्र किस पर करना है? लतीफ़ नफ्स पर। ये जिक्र उसकी ज़र्ब लगाते वक्त ये तसव्वुर करना है कि उसके अंदर से सारी गंदगियाँ निकल कर पूरा लतीफ़ नफ्स साफ होता जा रहा है और हमारे दिल के अंदर से नफरत, कीना, बोझ, हसद, जलन और सारे गुनाह सब खत्म होते जा रहे हैं उसकी बरकत। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा नफ़ुल अज़ीम। अब सारे साथी मुराकबा इस तरह करें कि खाने काबा से फैज़ आ रहा है, नूर आ रहा है हमारे कल्ब पर, जिससे हमारे कल्ब की सफाई होती जा रही है। हमारे कल्ब के अंदर से, हमारे लतीफ़े कल्ब के अंदर से सारी गंदगी ख़त्म हो रही है, बीमारी, रूहानी बीमारियाँ सब ख़त्म हो रही है, और हमारा कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा है। सारी तवज्जो हमारे कल्ब पर रहे, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसको करता हुआ देखें। समझ में आ गई बात ना? अल्लाह
नहीं आप करा नहीं पहले से मेरी ख्वाहिश है कि आपकी दुआ होना चाहिए। नहीं बस मुख्तसर ही कराना है तो बोल नहीं بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين يا أحسن الخالقين يا أكرم الأكرمين يا مالك الملوك يا ملك الملوك يا مالك الملوك يا ملك قلوب الملوك بيديك يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس يا إله العالمين يا رب السماوات السميع رب العرش العظيم يا عالم الغيب والشهادة يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عظيم يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا من له الأسماء الحسنى يا عزيز يا حكيم يا فاطر السماوات والأرض يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا غفور يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا باري لها آپنے اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق دی یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے بیمار دلوں کو شفایاب فرما یا اللہ اسے طاہر بھی بنا مطہر بھی بنا یا اللہ ہم سب کے قلوب کو طاہر بھی بنا مطہر بھی بنا یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما تمام اہل ایمان مرد عورت جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا میں ہیں سب کی مغفرت فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین نافرمان ناچیز بندے ہیں یا اللہ بے حیثیت بندے ہیں یا رب کریم آپ کی رحمت کے سہارے آپ کی رحمت کے امید سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے کریم آقا ہم سب کے اوپر رحم فرما تمام عالم اسلام پر رحم فرما یا اللہ مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما ان کے دین کی ایمان کی حفاظت فرما ان کے جان مال کی حفاظت فرما ان کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرما یا اللہ ہم خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا اللہ کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا اللہ اپنے اپنے محبوب کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے اوپر رحم فرما یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما
ज़ाहरी बीमारियों को भी दूर फरमा, बातनी बीमारियों को भी दूर फरमा। या अल्लाह सेहत व आफियत फरमा, अमन व इत्मीनान ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह मदारिस, मकातिब, मसाजिद, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दीनी जमातों की हिफाजत फरमा, दीन का किसी भी तरीके से काम करने वालों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हौसला अता फरमा, या अल्लाह सबको हौसला नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी नई नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हालात जो हैं आप जानते हैं, ए अल्लाह हम सब नातमा और कमज़ोर बंदे हैं, महज तेरी रहमत का सहारा है। ए अल्लाह अपनी नज़र करम फरमा दीजिए, अपने हबीब के सदक़े में हमारी तरफ नज़र करम फरमा दीजिए। ए अल्लाह अपने फ़ज़्ल करम से और अपने हबीब के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह अपनी याद की तौफीक दीजिए, अपने ज़िक्र की तौफीक दीजिए, फ़िक्र की तौफीक दीजिए। या अल्लाह घरों में तेरी ही कलाम की तिलावत हो, तेरा ही नाम लबों पर हो, दिल में भी अल्लाह तेरा नाम हो। या अल्लाह ऐसी हम सब को तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह हम कुछ नहीं कह सकते हैं, गूंगे हैं, हमें मांगना भी नहीं आता है, पर इतना कहते हैं आपके हबीब ने जो उम्मत के लिए खैर की दुआएं मांगी हैं उन सब में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह जी शुरू और फितन से आपके हबीब ने पनाह मांगी है, हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह महर अपने फ़ज़्ल करम से अपने हबीब के वास्ते से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, बि रहमतिक या अरहमर राहिमीन।